पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से हर तरफ उनकी चर्चा अब भी बनी हुई है। इस बीच सिद्धू मूसेवाला को लेकर मशहूर सिंगर मिका सिंह ने बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मिका सिंह ने ये बताया कि सिद्धू मूसेवाला को पिछले 5 साल से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उन्होंने कहा, साल 2017 में मेरी और सिद्धू मूसेवाला की मुलाकात लंदन में हुई थी। उस दौरान उसने मुझे बताया था कि उसे फोन पर कोई शख्स मौत की धमकियां दे रहा है, ऐसे में इस हालात को उसे हैंडल करना चाहिए था। ये सब बातें वह मुझसे कह रहा था। मिका सिंह ने आगे बताया कि उसने कहा था कि उसे ऐसे धमकी भरे फोन कॉल पहले से भी आ रहे थे, लेकिन उसने बताया कि पाजी धमकी देने वाला व्यक्ति असली है या नकली, इसके बारे में पता नहीं। इसके बाद मिका सिंह ने सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हुई हत्या के बारे में बात करते हुए ये भी बताया कि एक 28 साल के लड़के की इस तरह से हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसे पहले से ही धमकी मिल रही थी। ऐसे में उन लोगों के खिलाफ पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो मौत की धमकी देने के साथ साथ दिन दहाड़े किसी को भी मार सकते हैं। फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।